नमस्कार दोस्तों, आज का सवाल एलजेब्रा टॉपिक से लिया गया है। तो देखिए क्या सवाल है। व्हाट इज एक्स इफ 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर 3x इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक कार्डिनल फॉर्मूला पता होना चाहिए क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, कि यदि क्यूबिक इक्वेशन x की क्यूब प्लस px प्लस q फॉर्म में हो तो यह फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? x इक्वल्स टू क्यूब रूट माइनस क्यू बाई टू प्लस रूट क्यू स्क्वायर बाई फोर प्लस पी की क्यूब अपॉन 27 प्लस क्यूब रूट माइनस क्यू बाई टू माइनस रूट क्यू स्क्वायर बाई फोर प्लस पी की क्यूब अपॉन 27। ये कार्डिनल फॉर्मूला है। तो अब देखिए इस फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन को। 2x की पावर क्यूब प्लस 2 टू द पावर x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, 2x को y सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी फाइनल, y की क्यूब प्लस y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब यहां से अगर हम कार्डिनल इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो p की वैल्यू 1 हो जाएगी और q की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 16। कार्डिनल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहां से y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू क्यूब रूट 8 प्लस रूट 5187 अपॉन 9 प्लस क्यूब रूट 8 माइनस रूट 5187 अपॉन 9। ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, y की जगह हमने जो पहले सब्स्टिट्यूट किया था वो रख देते हैं, यानी 2x रख लेते हैं और उसके बाद log base 2 दोनों साइड हम अप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास x की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1.256। अब ये वैल्यू अगर हम हमारी वो क्वेश्चन वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास 16 आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ये एकदम सही आंसर है।